हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं आपके साथ। जैसे ब्लॉग्स तो हम वगैरह बहुत लोगों के देखते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ के बारे में मतलब नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने देश के सुरक्षा के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमारे देश के पास आज बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं, पर फिर भी उनमें कुछ ऐसे हथियार हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, जिससे कि दूसरे देश भी डरते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं हैं, और चाइना के साथ तो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो देख लेते हैं इंडिया के पास कितनी पावर है। तो उसके अकॉर्डिंग आज मैंने टॉपिक चुना है, हमारे पास जो सबसे अच्छा वेपन है इस समय। वैसे तो वेपन तो बहुत सारे अच्छे हैं, पर जो हमारे पास मिसाइल भी हमारे पास बहुत सारी है, अग्नि सीरीज की है, पृथ्वी सीरीज की है, लेकिन आज हम बात करें उस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, पूरी दुनिया की। अब जो क्रूज मिसाइल होती है, सबसे पहले वो क्या होती है? क्रूज मिसाइल होती है जो कि जमीन से मतलब कम ऊंचाई पे उड़ती है और अपने टारगेट को नष्ट करती है, वो बोलते हैं उसे क्रूज मिसाइल। तो जैसे कि क्रूज मिसाइल, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सबसे पहले तो ये हमने और रशिया ने दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया है। तो जैसे ब्रह्मोस नाम है, ब्रह्मपुत्र से लिया गया है इसका नाम, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्मोस और मस्कोवा। तो इसका मस्कोवा रिवर है एक मॉस्को में, रशिया में। तो इन दोनों को ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा रिवर, इन दोनों के रिवर के नाम जोड़ के ब्रह्मोस नाम लिया गया है। 1999 में जो कारगिल की वॉर हुई थी, तो हमने देखा कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन होना चाहिए जो कि यूजफुल हो सके माउंटेन्स पर, क्योंकि आप सभी को पता माउंटेन्स पे बहुत ही मुश्किल होता है टारगेट को डिस्ट्रॉय करना। तो तब हमने सोचा था, तो हमने कोलैबोरेट किया रशिया के साथ, और रशिया और हमने मिलके इसको 2001 में इसका टेस्ट फायर किया, मतलब परीक्षण किया। उसके बाद हमने 2006 में इंडियन आर्म फोर्सेज में इसको ज्वाइन करवा लिया था। तो इसकी सबसे खासियत है कि ये ध्वनि की गति से मतलब 3.5 मैक की गति से उड़ती है, ध्वनि से मतलब 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे इसकी खासियत वो है कि एक्यूरेट निशाना लगाती है, जैसे इसका 1 मीटर के अंदर अंदर इसका निशाना होता है। 1 मीटर बहुत ही मतलब छोटा एरिया होता है, जो हमने सेलेक्ट कर लिया तो वहीं जाके ये डिस्ट्रॉय कर देगी दुश्मन को। तो देखो आप, जैसे और सबसे इसकी खासियत है जिससे चाइना और पाकिस्तान दोनों देश डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि ये एक तो बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ती है, 4 मीटर से लेके 50 मीटर तक ऊंचाई पर उड़ती है, और ये दुश्मन के ऊपर जैसे सीधा जाएगी और 80 डिग्री पे मार्क उनके ऊपर हमला कर सकती है। जैसे कोई पहाड़ के पीछे भी छुपा होगा ना, जैसे अभी लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है, मान लो कभी ऐसा कुछ हो जाए, तो वो ये नहीं सोच सकते कि हम पहाड़ के पीछे छुपे हैं तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि 80 डिग्री पे ये मार सकती है। जैसे सीधा गई और जहाँ पे दुश्मन छुपा होगा उसके ऊपर से आके अटैक करेगी, तो हम कहीं पे भी नहीं, कोई भी दुश्मन छुप नहीं सकता। तो ब्रह्मोस मिसाइल में होता है सबसे मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था इसे बनाना, क्योंकि रैमजेट इंजन लगाया, और रैमजेट इंजन को इस मिसाइल के लिए बहुत ही छोटा किया गया था। जो रैमजेट इंजन होता है ना, वो लिक्विड फ्यूल पे चलता है, तो उस इंजन को डेवलप करना ही सबसे बड़ा एक कह सकते हो अचीवमेंट था। उस रैमजेट इंजन को मतलब छोटा बनाया गया, इतना छोटा बनाया गया कि मतलब कम छोटी मिसाइल के अंदर वो मतलब फिट हो सके, क्योंकि जैसे आप देख अग्नि की मिसाइल होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ब्रह्मोस का उससे बहुत ही छोटा मतलब होता है। अब तो ब्रह्मोस के छोटे वर्जन भी इंडिया बनाने की तरफ चल रहा है, हाइपरसोनिक और मतलब छोटे। तो लेकिन अब तो काफ़ी एडवांस हो चुका है, 2006 में जब ये इंडक्ट हुई थी तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो थी बहुत ही ज़्यादा भारी होती थी, अब बहुत ही हल्की बनाई है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में भी इसको हमने शामिल कर लिया है, सुखोई में लगा दिया गया है इसको, सुखोई में भी लगा दिया, यानी कि एयर में भी हो गया है और लैंड में तो पहले से ही था, और नेवी में भी इंडक्ट कर ली गई है। एक वीडियो आप नेवी की भी देख लीजिए अभी। तो
इससे आपको पता चल गया होगा देख के कि मतलब इसकी मार्ग क्षमता कितनी ज्यादा है। मतलब 280 किलोमीटर तक तो पहले ही थी जब ये नई नई आई थी, अब तो इसको 500 से ऊपर मतलब बना दिया गया, मतलब 500 से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकती है ये। एग्जैक्ट तो कभी देखो कोई कंट्री बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर कभी नहीं बताती है, जितना बताती है उससे तो ज्यादा ही होता है। अभी 850 के अराउंड बोल रहे थे कि 850 तक हम लेकर जाएंगे, लेकिन उसका अभी एक कर लिया था इन्होंने टेस्ट फायर, ऐसी बात नहीं है, एक फेल हो गया था और एक सक्सेसफुल हो गया था। ये तो फेल वगैरह तो चलता रहता है क्योंकि एकदम से कभी भी किसी को भी इंडक्ट नहीं करा जाता, उसके काफी सारे परीक्षण होते हैं, जब सक्सेसफुल हो जाती है तब जाके उसको इंडक्ट किया जाता है। मतलब बहुत बारी सक्सेसफुल होनी चाहिए, नहीं कि एक बार हुआ है, काफी बार टेस्ट मतलब उसके परीक्षण होते हैं। तो इंडिया जो MTCR का मेंबर बन गया इसमें, तो इंडिया को मतलब एक खुली छूट मिल गई कि वो जैसे MTCR का जो मेंबर नहीं होता ना, वो 300 किलोमीटर से ऊपर रेंज वाला डेवलप नहीं कर सकता ना, किसी कंट्री को भेज सकता है। अब इंडिया MTCR का मेंबर है तो इंडिया इसको मिसाइल को बेच भी सकता है, जो पहला अभी आया है, मतलब इंडिया बेचेगा, फिलीपींस को बेचेगा, उसके बाद वियतनाम को बेचेगा, ऐसे करते करते बहुत सारी मतलब कंट्री को बेचेगा, पर वो क्लोज बहुत बड़े होते हैं क्योंकि रशिया और इंडिया दोनों डिसाइड करेंगे किसको बेचना है किसको नहीं, फ्रेंडली कंट्रीज को बेचेंगे। तो और ये अब तो देखो इंडिया के तीनों तीनों में मतलब तीन जो तीन विंग है हमारी एयरफोर्स नेवी, तीनों में तो मतलब हो चुके हैं, मतलब तैनाती इसकी हो चुकी है। अब इसके एक और वर्जन आए, अभी हाइपरसोनिक वर्जन पे काम चल रहा है ना। मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इस मिसाइल के बारे में, क्योंकि बस हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी मिसाइल है और वो कैसे काम करती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और मिसाइल्स के बारे में या अपने देश के जैसे S-400 है उसके बारे में भी कोई वीडियो बनाएंगे कि वो कितना ताकतवर है, कैसे काम करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।